भारत की जनवादी नौजवान सभा हिमाचल प्रीमियर लीग जिला हमीरपुर क्रिकेट प्रतियोगिता पहली जनवरी से शुरू करने जा रही है। ये प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर पर शुरू होगी, बाद में जिला स्तर व प्रदेश स्तर पर आयोजित की जाएगी। ये जानकारी भारत की जनवादी नौजवान सभा के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने दी। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में हमीरपुर जिला के अंदर पहला मौका है जब कोई प्रतियोगिता कॉस्को क्रिकेट बॉल से शुरू होते हुए लेदर क्रिकेट बॉल तक पहुंचेगी। जिला स्तर पर विजेता टीम प्रदेश स्तर तक पहुंचने वाली 8 टीमों के लीग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेगी। प्रदेश स्तर में विजेता टीम को 2 लाख नगद पुरस्कार, उपविजेता टीम को 1 लाख नगद पुरस्कार व सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 2 टीमों को 50,000 की इनाम राशि दी जाएगी। इस प्रतियोगिता का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना व खेलों के प्रति उनको जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल के नारे से शुरू ये HPL प्रतियोगिता जनवरी महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगी। इस प्रतियोगिता के राज्य स्तरीय मुकाबले हिमाचल प्रदेश के चुने हुए बड़े क्रिकेट मैदानों में संपन्न होगी। अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ग्रुप की तरफ से, भारत की जनवादी नौजवान सभा हमीरपुर इकाई की तरफ से हम लोग आज जो पहली जनवरी 2019 को हिमाचल प्रीमियर लीग हमीरपुर जिला के अंदर शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है अपने आप में एक पहली तरह का क्रिकेट टूर्नामेंट हमीरपुर जिला के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अभी पिछले 8-10 सालों से जो चलन क्रिकेट को लेकर जो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो लोकल स्तर की जो क्रिकेट है वो लेदर की बॉल से कॉस्को क्रिकेट की तरफ वो बढ़ी है, संसाधनों की कमी की वजह से, ग्राउंड्स की कमी की वजह से। और हमारा हिमाचल प्रीमियर लीग इस टूर्नामेंट के अंदर जो एक प्रयास है कि हम जो लीग मैचेस हैं वो कॉस्को क्रिकेट से हम शुरू करते हुए और उसके बाद जो सेमीफाइनल और जो फाइनल मैचेस हैं उसको हम लेदर की बॉल से जो हम करवाएंगे। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो टीम जिला स्तर पर जीतेगी वो प्रदेश स्तर पर जो 8 टीमें अलग अलग जिलाओं से जो चुनकर वहां पर आएंगी उसका हिस्सा बनेगी। और प्रदेश स्तर पर जो है जो लीग मैचेस चलेंगे उसमें उनके अलग अलग जगह पर जो मैचेस होंगे उसमें से जो प्रदेश स्तर पर जो टीम विजेता होगी उसको 2 लाख रुपया प्रथम पुरस्कार जो है वो मिलेगा, जो सेकंड पोजीशन जिसकी रहेगी उसको 1 लाख रुपया पुरस्कार मिलेगा, और जो उसमें सेमीफाइनलिस्ट जो दोनों टीमें रहेंगी दोनों टीमों को 50,000 रुपया जो है वो हम देने का इसमें निर्णय लिया है। और हमीरपुर जिला के अंदर ये अभियान जो है हम पहली जनवरी 2019 को हमीरपुर के बॉयज स्कूल के ग्राउंड से इसको हम शुरू कर रहे हैं। और जिला के जितने भी ब्लॉक्स हैं ब्लॉक स्तर पर जो है अलग अलग ब्लॉक स्तर पर जो है वो मैचेस होंगे, और ब्लॉक स्तर पर जो टीमें विजेता होंगी उनका जिला स्तर पर जो है वो मैचेस होंगे, और वो जो टीम वहां पर विजेता होगी वो प्रदेश स्तर पर जो प्रतियोगिता है उसका हिस्सा वहां पर बनेगी। अनिल जी, क्या इसका कोई शुभारंभ के कोई मुख्य अधिकारी? शुभारंभ को लेकर जो है इसमें हम कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी जो है इसमें हम सोच रहे हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हो उसको हम, या कोई स्पोर्ट्समैन जो है उसमें जो एक एमिनेंट पर्सनैलिटी जो है उसमें हम बुलाने का प्रयास करेंगे। अभी बातचीत चल रही रहेगा कि ये 31 जनवरी से पहले पहले हम इसको खत्म करने का प्रयास करें। अगर इसमें पार्टिसिपेशन जो टीम्स हैं वो ज्यादा होती है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसमें प्रति टीम जो है 2,000 रुपया एंट्री फीस हमने तय की है, और इसमें जितनी भी टीम्स जो इसमें आएंगी उनको जो है जिला स्तर पर भी जो है हम उसको कुछ प्राइज जो है देने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें तो फिलहाल जो निर्णय लिया है कि 2 लाख रुपये प्रथम पुरस्कार जो है वो प्रदेश स्तर पर ही मिलेगा। स्तर पर जो है जो जिला स्तर पर जो टीम में अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करेंगी, जो खिलाड़ी इसमें एक अलग से रहता है मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द मैचेस जो इसमें हम हर मैच में हम देने का प्रयास जो है करेंगे।